अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से ई टैब के ऊपर विंड लोड डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफाइन में जाएंगे, डिफाइन में आगे लोड पैटर्न पर, लोड पैटर्न यहाँ पे हम इसको नाम देंगे विंड लोड। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम विंड और कोड हम सेलेक्ट करेंगे UBC 97, ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ डायफ्राम है और दूसरा है एक्सपोजर फ्रॉम शेल ऑब्जेक्ट है। पहले मैं फर्स्ट वाला जो एक्सप्लेन करूँगा, नीचे देखें तो यहाँ पे विंड वर्ड कोफिशेंट लिखा हुआ है CQ, ली वर्ड कोफिशेंट CQ, ये 0.8 है, 0.5 है। ये कहाँ से आएगा, अगर आपकी बिल्डिंग जोन सी है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप फैक्टर कौन सा चूज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर पार्ट जो यूज़ कर रहा हूँ, वॉल्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ विंड वर्ड वॉल एंड ली वर्ड वॉल 0.8 0.5। इस तरह आप रूफ और जोन सा वो बाकी फैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है विंड स्पीड। विंड स्पीड आपने अपने इलाके के मुताबिक, जिस इलाके में आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसके मुताबिक आपने यहाँ पे विंड स्पीड देनी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपोजर टाइप। एक्सपोजर टाइप क्या है, एक्सपोजर टाइप जोन सा है ये डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग के उस एरिया के ऊपर जहाँ पर आप बिल्डिंग जोन सी है वो बना रहे हैं। मीन्स के आपकी बिल्डिंग जोन सी है वो समुद्र के करीब है, या आपकी बिल्डिंग जोन सी है वो ऐसे इलाके में है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग है, या मैदानी इलाके में है, तो आप उसके मुताबिक ही ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये UBC और D है। ये देखें यहाँ पे अगर ये समुंदर के करीब है तो आप D सिलेक्ट करेंगे, अगर मैदानी इलाका है तो आप C सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ऐसा एरिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं पहले तो उसके लिए आप B सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं B सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर। फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर भी जो सा है वो आप अपनी बिल्डिंग के मुताबिक ही आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टॉप स्टोरी एंड बॉटम स्टोरी के आप जो उन सही विंड लोड अप्लाई कर रहे हैं, ये टॉप टू बॉटम ये सारा का सारा अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे ये मॉडिफाई। यहाँ पे ये जो वैल्यूज होती हैं ये सॉफ्टवेयर जो सा है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो सा वो यहाँ पे वैल्यू ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 0 डिग्री है और यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री आएगा। 1 पे रखेंगे तो आपका 1 पे 0 डिग्री है और ये एक्स डायरेक्शन में है, और 2 पे रखेंगे ये 90 डिग्री है वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अब ये सॉफ्टवेयर किस तरह से जो सा वो ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यू जो सब लगा लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले पहले हम बिल्डिंग जोन से वो एक ड्रा कर लेते हैं। इसे यहाँ पे बीम्स लगा रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया कि मैं सारी के सारे फ्लोर्स के ऊपर लगा लूँ, इससे पहले कि मैं सारा सेलेक्ट करूँगा कि मैं ऑल स्टोरी सेलेक्ट करने से ये देख रहे हैं आप, ये हर फ्लोर पर लग जाएगा। ये बात कॉलम
लग गए, उसके बाद हम स्लैब लगाएंगे। स्लैब यहाँ से सिलेक्ट हुई है पहले ही। इसके बाद है बेस प्लाई वन स्टोरी। अब हम देखेंगे हम किस तरह से जो सा है वो ये विंड लोड जो सा है अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम सेलेक्ट करेंगे, ऑल फ्लोर्स को, फ्लोर सेलेक्ट हो गए। उसके बाद हम असाइन पे जाएंगे। असाइन पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ डिफाइन, हमने डायफ्राम डिफाइन नहीं था क्या? पहले हम डायफ्राम डिफाइन करेंगे। डायफ्राम डिफाइन किया, ओके। फिर हम असाइन पे जाएंगे। असाइन पे जाने के बाद हम यहाँ पे विंड प्रेशर, पहले हम यहाँ पे डायफ्राम जो सा है वो लगाएंगे इसको। ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम लगा दिया। डायफ्राम लग गया। अब अगर हम चेक करें तो कहाँ पर थे हम, ये लोड पैटर्न, ये विंड लोड मॉडिफाई, एंड शो, ये देखें ये ऑटोमेटिकली जो सा है उसने सब सब कुछ जो सा है वो कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है, वो सेकंड मेथड क्या है, एक्सप्लोरर फ्रॉम दी शेल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सप्लोरर फ्रॉम दी शेल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए पहले हमें क्लेडिंग लगानी होती है। हम पहले क्लेडिंग लगाएंगे, ड्रा में ऑटो क्लेडिंग, ये ऑटो क्लेडिंग है। फ्लोर्स है देन, ओके। ये फ्लोर्स के ऊपर क्लेडिंग लग गई है। इस क्लेडिंग का ना तो ही मैस होता है और ना ही इसकी कोई थिकनेस होती है। ये सिर्फ और सिर्फ विंड प्रेशर को जो सा है वो कॉलम्स वगैरह के ऊपर, बीम वगैरह के ऊपर लगाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हम इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम एलिवेशन सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक एलिवेशन, जैसे कि लेट्स सपोज ये एलिवेशन है, हमने ये सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम इन सभी को साइड्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो गया। इनको सिलेक्ट करने के बाद हम असाइन पे जाएंगे। असाइन में जाने के बाद हम शेल लोड पे जाएंगे। शेल लोड में जाने के बाद हम यहाँ पे विंड प्रेशर कोफिशिएंट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये विंड वार्ड वही लीव वार्ड वो 0.8 और 0.5 जो भी आप सिलेक्ट करते हो कोफिशिएंट वो आप यहाँ पे लगाओगे। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 0.8, ठीक है। और इसको कर देता हूँ अप्लाई,
ओके, आपने ये देखा होगा ये जो प्लस का निशान आ रहा है ये जाहिर कर रहा है कि आपका जो सा है ये विंड वार्ड लग गया है, जो आपने सी क्यू की वैल्यू 0.8 लगाई है ये उसकी वैल्यू लग गई है। इसी तरह अगर आपने नेगेटिव साइड पर लगानी हो तो आप नेगेटिव साइड पर भी जो सा है वो लगा सकते हैं। ये देखें ये सब का सब जो सा ये सारे लगे हुए हैं, तो नेगेटिव साइड पर लगाना हो तो आप इसी तरह ही 0., इसी तरह यहाँ पे जो सी क्यू है उसकी वैल्यू आप 0.5 पुट करेंगे तो आपका जो सा है उसकी साइड पे ये लग जाएगा। इस तरह से ये दो तरीके थे हमारे पास जो कि विंड लोड अप्लाई करने के लिए यूज़ होते थे, वो हमने लगा दिए।